तो लाइव तस्वीरें इस समय आप कुंडली बॉर्डर से देख रहे हैं। आप दोबारा जुड़ गए हैं, थोड़ा सा लाइव इंटरप्ट हो रहा था, नेट की यहाँ प्रॉब्लम चल रही है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि ह्यूमन चेन बनाकर किसान और पुलिस आमने सामने हो गई है। इस साइड आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वैसे पानीपत के माध्यम से आप ये लाइव तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं, किसान और पुलिस, दिल्ली पुलिस आमने सामने है। हालांकि हरियाणा पुलिस ने राहत की सांस ली थी कि इन्हें यहाँ पर आने दिया गया, और इसके बाद अब दिल्ली पुलिस के जिम्मे है सारी जिम्मेवारी। तो दोनों तरफ से तैयारी जो है पूरी है, किसान और पुलिस आमने सामने है। ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव कवरेज को शेयर जरूर करें। तो ये दिल्ली पुलिस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुंडली बॉर्डर से आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। लाइव तस्वीरों के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि ये दिल्ली पुलिस आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस और किसान आमने सामने हैं। इनमें सिर्फ 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी में ये लोग आमने सामने हुए हैं। दिल्ली पुलिस इन्हें जाने नहीं दे रही, और हरियाणा से ये लोग निकलकर अब दिल्ली की तरफ प्रवेश करने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। आंसू गैस के गोले और इसके साथ साथ ही कई गाड़ियां पुलिस की यहां पर तैनात की गई है कि किसी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा। और इस समय की लाइव कवरेज जो है कंडली बॉर्डर से देख रहे हैं। दिल्ली अब ये किसानों का जत्था जो है पहुंच चुका है, और गुरनाम सिंह चढ़ोनी जो है थोड़ी सी पीछे हैं, लेकिन पंजाब का जत्था जो देर रात ही दिल्ली की तरफ रवाना हो गया था, हल्दाना बॉर्डर पर सब कुछ बैरिकेड तोड़कर जो सड़क खोदी गई थी उस सड़क को भरकर ये लोग दिल्ली की तरफ कूच हो गए थे। तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें, पीछे मेरे पीछे जो है भारी पुलिस बल सड़क को खाली कर दे बीच में से तैनात है। ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि सड़क को खाली कर दे बीच में से। तो ये लाइव कवरेज आप